हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 5 से 6 साल की बच्ची के लिए सलवार की कटिंग करना बताएंगे। सो हमने यहाँ पर सलवार का कपड़ा ले लिया है। इसकी लेंथ है 26 इंच और बेल्ट है 29 इंच। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी कपड़ा है आपको चौड़ाई की तरफ से एक बार फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से एक बार फोल्ड करने के बाद में डबल फोल्ड करना है हमें। तो इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर हम दोनों सलवार के दोनों पैर के पार्ट्स को एक साथ में निकालेंगे। तो चलिए अब हम मार्किंग करते हैं। यहाँ पर हमें पार्ट्स कितने लंबे लेने हैं, जैसे कि हमारी सलवार की लेंथ है 26 इंच, तो 26 में 5 इंच की हम बेल्ट के लिए माइनस कर देंगे, तो 20 इंच हमारा हो जाएगा। और 20 इंच में हमको 2 इंच प्लस करना रहेगा, क्योंकि हम मोहरी बनाएंगे। अब नीचे से हम 6 इंच की मोहरी के लिए निशान लगाएंगे, 5 इंच हमारी मोहरी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ से हमको मियानी के लिए निशान लगाना है। मियानी के लिए हम 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। और वो जो उस साइड से हमने मार्किंग किया है, वो हमारा बराबर नहीं था कपड़ा, इसलिए वो हमने बाद में हमें कट कर लेना है। तो अब यहाँ से मियानी के लिए हम इस तरीके से तिरछा मार्किंग कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर इसको कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे दोनों पार्ट्स एक साथ में निकल आए हैं। यहाँ पर हमें कोई भी ज्वाइंट नहीं लगाना है, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर मियानी भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, बेल्ट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले तो देखिए हमारा कमर कितना है, 29 इंच कमर है। जितना आपका कमर है, जैसे कि 29 इंच की कमर है, तो उसमें से हम क्या करेंगे, 1 इंच प्लस करेंगे, यानी कि 30 इंच पर कटिंग कर लेंगे हम। और तो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पर 30 का हाफ कर लेंगे, यानी कि 15 इंच हो जाएगा, 15 इंच हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, किनारी वाले पार्ट को हम हटा लेंगे, और यहाँ से 5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि 5 इंच की बेल्ट हमें रखना है, बाकी 2 इंच या 1.5 इंच जो है आप एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। तो अब जो है यहाँ पर हम 1.5 इंच पर मार्किंग ले रहे हैं। 1 इंच हमारा, 1 इंच तो हमारा सलवार में तुरपाई कर मतलब फोल्डिंग करते हैं ऊपर की साइड में, जिसमें किनारा डालते हैं, और 1/2 इंच हमारा बेल्ट में सिलाई हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर बेल्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप सलवार की कटिंग करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही जल्दी से आपकी सलवार जो है कट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ किनारी वाले पार्ट को भी कट कर लेते हैं। तो ये हमारी बेल्ट कट हो चुकी है, और सारे यहाँ पर हमारी सलवार की कटिंग हो चुकी है। और अब हम चलते हैं सिलाई करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमको 2 इंच का छोड़ देना है नीचे की, इस तरफ से हम 2 इंच का छोड़ देंगे, जिसमें कि हम नाड़ा डालते हैं। तो 2 इंच हम छोड़ कर देंगे, और इसके बाद में इसको फोल्ड करते हुए हम एक सिलाई करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम फोल्ड करते हुए एक सिलाई चला लेंगे यहाँ पर, और फिर एक बार अब हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे यहाँ पर हम, क्योंकि डोरी डालते हैं या फिर आप लास्टिक भी डाल सकते हैं। तो चलिए, अब इसको हम फोल्ड करते हुए लगभग 1 इंच का कपड़ा हमारा जाएगा यहाँ पर, 1 से 1.25 इंच तक का हमारा कपड़ा यहाँ पर जाता है। तो पूरे में आपको इस तरीके से यहाँ पर स्टिच कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप सलवार सूट की भी कटिंग सीखना चाहते हैं तो भी आप हमारे चैनल पर हमारे वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, तो भी मैं आपको बताऊंगी वीडियो बना करके। तो चलिए, अभी इसको हम स्टिच कर लेते हैं। अब हम पार्ट के किनारे, यहाँ पर मियानी रहता है, यहाँ से हम इसको स्टिच करेंगे। सीधा साइड हम अंदर के तरफ रखेंगे, बाहर के साइड में हमें उल्टा साइड रखना है, उल्टा कपड़ा रखना है। तो दोनों साइड को आपको बना लेना है इस तरीके से। ध्यान रखना है कि सीधा वाला कपड़ा हमारा अंदर ही रहना चाहिए। अब हम बेल्ट को अटैच करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, बैक पार्ट में जो है हम प्लेट नहीं डालेंगे, फ्रंट पार्ट में इस तरीके से हमें स्टिच करना है कि फ्रंट पार्ट में ही प्लेट्स बनाना है। तो देखिए, प्लेट्स जो हम बनाएंगे, प्लेट्स का जो रुख है वो हमारा दूसरी साइड में रहेगा, बाहर की साइड में। मतलब जब हम सिल रहे हैं उल्टी साइड से आपको लगेगा कि बाहर जा रहे हैं, लेकिन जब हम सीधा करेंगे तो वो प्लेट्स हमारी अंदर की तरफ ऐसा लगेगा कि अंदर के साइड में पड़ी हुई है। दोनों पैर की प्लेट्स एक इस तरफ से, एक उस तरफ से, मतलब इस तरीके से आनी चाहिए।
ये इसका रुख हमारा ऐसा लग रहा है कि दूसरी साइड पर है, लेकिन जब सीधा करेंगे तो अंदर की साइड में हो जाएगा। अब यहाँ पर जहाँ से हम डोरी डालते हैं, यहाँ से सेंटर से हमें प्लेट का रुख जो है चेंज कर लेना है, दूसरी साइड इस तरफ से डालना है। तो जब आप सीधा करेंगे तो आपका जो है सलवार बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर पूरा कपड़ा हमारा अटैच हो चुका है, कहीं पर भी झोल वगैरह नहीं है। अब फ्रेंड्स मोहरी के साइड में हम बकरम लगा करके, देखिए इस अंदर के साइड से आपको लगा करके इसको फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा बकरम है आप कट कर लीजिए। आप चाहें तो अलग से कपड़े पर भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भी आप इसको सिल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो कोई भी डिज़ाइन भी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप एक पैर में जो डिज़ाइन बनाएंगे दूसरे पैर में भी वही डिज़ाइन बनाएंगे। आप ऐसे या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि 3-4 से 5 सिलाई इसमें सीधी सीधी भी कर सकते हैं, सिंपल अगर रखना चाहते हैं, नहीं तो फिर डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स दोनों साइड के आपको मोहरी को इसी तरीके से बना लेना है। मोहरी बनाने के बाद में हमको उल्टा करके सलवार को इस तरीके से यहाँ पर जितना साइज़ आपको रखना है, आप जैसे 5 इंच हमने तैयार चाहिए हमें, तो 5 इंच का तैयार 1 इंच 5 इंच पर मार्किंग करते हुए आपको 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से आपको पक्का करते हुए कट कर ले। तो फ्रेंड्स हमारा सलवार रेडी हो चुका है।